नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक अनुच्छेद लिखने जा रहे हैं जिसमें केवल हमें 5 वाक्य बनाने हैं और जो मंजूषा दी गई है उसमें से शब्दों का चयन करेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं मंजूषा आते हैं। मंजूषा से पदानी पदों को चित्तवा चुन करके पांच वाक्यों में एकम एक अनुच्छेदम अनुच्छेद लिखत लिखिए। मंजूषा से पदों को चुनकर के 5 वाक्यों में एक अनुच्छेद लिखिए। मंजूषा है जलम जल क्षेत्राणाम खेतों के विना विना जीवने जीवन में स्नानाय स्नान करने के लिए भोजन से भोजन का केकी अस्माभिः हमारे द्वारा हम सबके द्वारा महत्वपूर्णम महत्वपूर्ण कर्तु करने का क्षालनाय धोने के लिए दूषितेन दूषित से जयंत उत्पन्न होते हैं। अब पहला वाक्य बना रहे हैं जलम जल अस्माकम हमारा जीवनम जीवन अस्ति है। जल हमारा जीवन है। जलेन जल से एव ही जल से ही क्षेत्राणाम खेतों की सिंचनम सिंचाई भवती होती है। जल से ही खेतों की सिंचाई होती है। वस्त्र कपड़े क्षालनाय धोने के लिए अपि भी जल से जल का प्रयोग है प्रयोग भवति होता है। कपड़ा धोने के लिए भी जल का प्रयोग होता है। वस्त्र क्षालनाय अपि जल से प्रयोग है भवति कपड़े धोने के लिए भी जल का प्रयोग होता है। जलेन बिना जल के बिना अस्माकं जीवनम हमारा जीवन निष्प्राणम प्राणहीन भवती हो जाता है। जल नहीं हो तो हमारा जीवन निष्प्राण हो जाता है अर्थात नष्ट हो जाता है। दूषितेन जलेन दूषित जल से बहवे बहुत सारे रोगा रोग जायन्ते उत्पन्न हो जाते हैं। एक बार फिर देखेंगे जलम अस्माकं जीवनम अस्ति जल हमारा जीवन है। जलेन एव क्षेत्राणाम सिंचनम भवति जल से ही खेतों की सिंचाई होती है। वस्त्र क्षालनाय अपि जल से प्रयोग भवति वस्त्र धोने के लिए भी जल का प्रयोग होता है। जलेन बिना अस्माकं जीवनम निष्प्राणम भवति जल के बिना हमारा जीवन निष्प्राण होता है। दूषितेन जलेन दूषित जल से बहवे रोगा जायन्ते बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। धन्यवाद।